भाई बहुत लोग का यहाँ पे डिमांड रहता है ना कि भैया मुझे रूम में बेड चाहिए, फैन चाहिए, टेबल चाहिए, मतलब सारा कुछ फैसिलिटी और फुल्ली फर्निश्ड रूम चाहिए। तो भाई इस वीडियो में मैं उस टाइप का रूम दिखाने वाला हूँ। और बहुत लोग का डिमांड होता है, भैया मुझे कपल्स के लिए रूम मिल जाएगा क्या? कपल्स के लिए मैं टाइम देना चाहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि पार्क वार्क में है ना कि बजरंग दल वाले आते हैं और उठा के मेरी गर्लफ्रेंड को शादी करवा देते हैं। तो मुझे रूम दिलवा दीजिए कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकूं, उसके साथ टाइम बिता सकूं। तो मैं आपको बहुत ही बेस्ट आपको रूम भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। और एक मैं दिखाने वाला हूँ 2 BHK। बहुत सारे बैचलर का डिमांड होते हैं कि भैया भैया सुनिए ना, मुझे 2 BHK चाहिए जिसमें मैं 4 लोग रह सकता हूँ, 4 मेरी फ्रेंड है, 4 मेरे फैमिली है, कभी फैमिली का मेंबर आए तो कभी दिक्कत ना हो, थोड़ा बजट में दिलवा दीजिए। तो सभी रूम बजट में ही होने वाला है, तो चलो ना स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, जो पहले मैं बताया था जिसमें बेड फैन चारा टेबल वेबल है ना, मैंने उसका वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, जिससे हो सके कि आप पसंद कर सको और रूम को बुक कर सको और पढ़ाई कर सको भाई। तो चलो वीडियो देख लो। और ये 3600 का बोल रहे हैं, छोटा रूम है। और ये बाथरूम है, और इधर सारे बैचलर लोग हैं, बैचलर ही रहते हैं सब ना। पहले ही बताया था कि इसमें आपको बेड फैन पंखा टेबल सब कुछ मिलता है, बाकी वॉशरूम कॉमन मिलता है, वॉशरूम कॉमन मिलता है। और किचन आपको नहीं मिलता है तो आपको रूम में ही खाना बनाना पड़ेगा, या आप मेस भी कर सकते हो, तो आपके लिए रूम बेस्ट होना। रेंट कितना भैया? तो इसका रेंट ओनली 3600 रुपया होने वाला, काफी महंगा है भाई। फुल्ली फर्निश्ड है, सब कुछ का रेंट लग रहा है, मोराबादी में है, जिसको भी चाहिए कांटेक्ट करो ना मेरे भाई। अब बात आती है भैया, छोड़िए ना जी, मेरी कपल्स के लिए रूम देखिए ना, वो वाला वीडियो दिखाइए ना, तो वीडियो देखो ना ब्रो। ये नॉर्मल है, बालकनी भी इसमें है, तो इसमें बालकनी भी है, वाईफाई है या नहीं? वाईफाई तो बालकनी भी है इसमें। ये हो गया रूम। तो देखो भाई, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये होटल मैं पर्सनली बुक करने गया था। अब मैं क्यों बुक करने गया था, हिम्मत पूछना भाई, होटल क्यों बुक करने गया था ये मैं बता नहीं सकता, ये मेरा सीक्रेट है। तो ये होटल है, बहुत ही मस्त है। इसका जो बजट है आपका 24 घंटा का, पता है कितना बजट है आपको? ओनली 1200 रुपया। 1200 रुपया लो और 24 घंटा रहो। जैसे कि आप अगर रह रहे हो, कितना बजट, अगर 9 बजे दिन में रह रहे हो तो आपको कल 9 बजे दिन में खाली कर देना है, मतलब 24 घंटा आपके पास टाइम मिलेगा, जिसके अपने दोस्तों के साथ या अपनी सहेलियों के साथ आप वहां पे लूडो खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, कबड्डी खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो। अब लड़का हो समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सब सारा कुछ खेल सकते हो भाई। तो बजट तो बता दिया, लोकेशन कहाँ पे, तो आपका शौक है कि भाई मैं पूरी घूमना चाहता हूँ, उड़ीसा घूमना चाहता हूँ, तो भाई वही वही का है। अगर आप वहां पे घूमने जा रहे हो, ये तो आपको रूम का दिक्कत हो रहा है, बजट का दिक्कत हो रहा है, आपका बजट डिसमिस आ रहा है, तो कांटेक्ट करो ना, मैं बता दूंगा सारा कुछ कि कहाँ पे किस टाइप का रूम मिलेगा, कितना बजट में मिलेगा। अब भैया आती है ना, चलिए ये तो छोड़िए, ये सब ना बैचलर है ना कपल्स है, हम तो 4 लड़की है और फैमिली वाले हैं, उसके लिए 2 BHK दिखा दीजिए, तो वीडियो देख लो। देखो यही रूम है, ये 2 BHK है, ये फर्स्ट बेडरूम ही है, ये फर्स्ट बेडरूम है, अनमीरा है इसमें, बाकी नहीं है, छज्जा दिया हुआ है इसमें, फैन भी नहीं है, तो ये फर्स्ट बेडरूम हो गया। और इधर हॉल रूम ये है, ये हॉल रूम है, और सेकंड बेडरूम ये है, सेकंड बेडरूम में किचन है, बालकनी अटैच है, और ये बालकनी है, वॉशरूम ये है, इधर वॉशरूम है, और ये किचन है। कितना बोले रेंट भैया? रेंट कितना बोले? रेंट कितना भी रही है, टोटल 5 लोग। 2 BHK रूम कैसा लगा? काफी अच्छा है ना, इसमें आपको हॉल रूम मिल जाता है, बेडरूम मिल जाता है, एक बेडरूम के साथ आपको वॉशरूम और
वॉल्केनी अटैच मिल जाता, एक बेडरूम डबल बेडरूम मिल जाता, एक कॉमन लेटरिन वॉशरूम मिल जाता आपको, एक मतलब 2 BHK का जो फ्लैट है उसमें 2 वॉशरूम मिलने वाला है। अगर आप नए नए शादी हुआ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपका वॉशरूम प्राइवेट एक मिल जाता है बेडरूम में, बालकनी भी मिल जाता है। अगर आपको हस्बैंड वाइफ को कभी गर्मी लगे रात में तो दोनों जाकर मलमल के नहा सकते हो, साबुन एक दूसरे को लगा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो बहुत बेस्ट रूम है। और आपको इधर मिल जाता है कॉमन लेटरिन बाथरूम, तो अगर आपका वहाँ पे मम्मी पापा भी हैं तो उनको उधर वॉशरूम मिले रहेगा तो उधर यूज कर लेंगे आपको, नो डिस्टर्बेंस, मतलब फुल्ली, मतलब क्या बोलो, मतलब फ्रीडम। एक होता ना जैसे कि आपको फैमिली मेंबर हो, 2 BHK रूम है, एक ही वॉशरूम है, और कभी हस्बैंड वाइफ को साथ में नहाने का मन कर गया, अरे नहाते नहाते मम्मी आ जाएगी या पापा आ जाएगा या भाई आ जाएगा तो कैसा फील होगा, तो मतलब सपना सपने रह जाता, होटल बुक करना पड़ता है उसके लिए, तो ये आपका सपना पूरा होने वाला है। अगर आप गर्ल्स लोग हो, अगर आप मेरी छोटी बहन हो या मेरी बड़ी बहन हो, तो आप देखिए इस बात को इग्नोर कीजिएगा, मैं बस आपको बीच बीच में मतलब थोड़ा हंसाने का, इंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप सबको थोड़ा अच्छा लग सके और इंटरटेन हो सके, आप बोर ना हो सके वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। अगर आपको बुरा लगता हो तो मुझे दिल से क्षमा, और आप कमेंट कीजिएगा कि भैया इस वर्ड का यूज ना करें, कोई वर्ड अगर आपको गलत लगा हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो इसमें गर्ल्स भी रह सकते हो जिसमें आप स्टडी पढ़ाई भी कर सकते हो। भैया इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो भैया ये लोकेशन आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल तरफ मिल जाएगा, रेंट है इसका 8,500 रुपया। तो आप इसे बुक करना चाहते हो तो बुक कर सकते हो। भैया बुक कैसे करना है? तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप नंबर लीजिए, कॉल नंबर लीजिए, और अपने बड़े भाई से अपने छोटे भाई से आप कॉन्टेक्ट कीजिए और कॉल कीजिए, बात कीजिए और रूम को बुक कीजिए। तो जय हिंद।